नमस्ते, मैं डॉक्टर सारिका गाड़ेकर, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ऑफ्थमोलॉजी, एमजीएम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। मैं एक कॉर्निया एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन हूँ। एमजीएम हॉस्पिटल में अब हम लेसिक सर्जरी का एक कैंप कर रहे हैं। अभी कैंप में हम जो नॉर्मल लेसिक सर्जरी के चार्जेस रहते हैं उसका हम 50% चार्ज में ये सर्जरी कर रहे हैं। इसका एक्चुअली इंटेंशन एक ही था कि जो मिडिल क्लास नॉर्मली लेसिक सर्जरी जो रहती है वो बहुत महंगी समझी जाती है। दोनों आंखों की सर्जरी कम से कम 35,000 से 40,000 में हो जाती है, लेकिन हमें जिस पेशेंट्स को टारगेट करना है, जो पेशेंट्स चश्मा नहीं पहन रहे इसलिए अंधे हो जा रहे, उनको हमें ये सुविधा उपलब्ध करनी थी, इसलिए हम ये कैंप रख रहे हैं। इसमें हम लेसिक सर्जरी जो है वो कम से कम चार्जेस में कर रहे हैं। ये कैंप अभी के लिए चालू है, तो जिन जिन्हें इसकी अवेलेबिलिटी फ़ायदा लेना है वो प्लीज़ हमें कांटेक्ट कीजिए डिपार्टमेंट ऑफ ऑफ्थमोलॉजी में, एमजीएम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। आरोग्य जागृति। दर्शकों, आरोग्य जागृति की टीम आज एमजीएम हॉस्पिटल और हम आज ऐसा विषय लेके आए हैं जो आँखों को लेकर है। आज हम मिलेंगे डॉक्टर सारिका मैडम, जो एमजीएम में प्रोफेसर है, कॉर्निया और रिफ्लेक्टिव सर्जरी सर्जन है। इन्हीं से जानेंगे लैसिक सर्जरी के बारे में। चलिए डॉक्टर सारिका मैडम। डॉक्टर सारिका मैडम, आरोग्य जागृति में आपका स्वागत है। मैम, आज लैसिक सर्जरी का बहुत बड़ा विषय है और लोगों का कन्फ्यूजन है, गैर समझ लोगों में है, लैसिक सर्जरी होती क्या है, हम इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारे दर्शकों को आपसे हम जानकारी लेंगे कि लैसिक सर्जरी के बारे में। सबसे पहले नमस्कार और शुक्रिया। मैं डॉक्टर सारिका गाड़ेकर, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ऑफ्थमोलॉजी, एमजीएम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, और मेरी स्पेशलिटी है कॉर्निया एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी। इसके अलावा मैं आई ट्रांसप्लांट या कॉर्नियल ट्रांसप्लांट, नेत्रदान जिसे बोलते हैं, उसमें भी स्पेशलिस्ट हूँ। और लेसिक सर्जरी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जिन लोगों को चश्मे का नंबर रहता है, दूर का चश्मे का नंबर रहता है, जो हमेशा उनको जनरली आजकल तो बच्चों में ही लग जा रहा है, लेकिन जिन्हें हमेशा चश्मा पहनना पड़ता है, दूर की नज़र कम रहती है, बिना चश्मे के कुछ दिखाई नहीं देता है, तो इनका वो चश्मे का नंबर हटाने की जो सर्जरी रहती है उसे लेसिक सर्जरी बोलते हैं। तो इससे जो जनरली माइनस नंबर रहो या प्लस नंबर रहो, वो चश्मे का नंबर परमानेंटली निकल जाता है। इसमें एक प्रकार का लेज़र रहता है, वो लेज़र हमारे घड़ी पे जैसी कांच है, वैसे ही हमारे आँख पे एक कांच रहती है जिसे हम कॉर्निया बोलते हैं। तो एक एक्जाइमर लेज़र करके नाम है लेज़र का, वो लेज़र से हम वो कांच का शेप चेंज कर देते हैं जिससे वो चश्मे का नंबर परमानेंटली निकल जाता है। तो लेसिक सर्जरी एक्चुअली जो है वो एक ओपीडी प्रोसीजर है। दो सर्जरी बहुत ही फाइन है, फिर भी इसे एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये सिर्फ टॉपिकल एनेस्थीजिया यानी आँख में सिर्फ ड्रॉप डाले जाते हैं जिससे आँख में भूल आती है और वो सर्जरी की जाती है। और ओपीडी प्रोसीजर होने के कारण उसी दिन पेशेंट घर चले जाते हैं और एक 2-3 घंटे के बाद ही उनकी नज़र पूरी आ जाती है। ये इसके साथ में वो दूसरे दिन से ही अपने काम पर जा सकते हैं, उनको घर पे रहने की या छुट्टी लेने की काम से कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनफैक्ट नेक्स्ट डे से उनको चश्मे की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मैडम, ये लैसिक सर्जरी किस तरह किया जाता है और कितने वक्त का प्रोसीजर? तो लेसिक सर्जरी, जैसे मैंने कहा, एक टॉपिकल एनेस्थीजिया मतलब आँख में ड्रॉप्स डाल के की जाती है। ये सर्जरी एक्चुअली दोनों आँखों को मिला के पूरा टाइम लेके एक 40 मिनट में पूरी सर्जरी हो जाती है। मैम, ऐसा है क्या लोगों में कन्फ्यूजन है लैसिक सर्जरी करने के बाद, बाद में फिर से नंबर लग सकता है मैडम? तो लेसिक सर्जरी से जो हमारा दूर का नंबर रहता है
वो पूरी तरह से चला जाता है, वो नंबर वापस नहीं आता है, ये परमानेंट ट्रीटमेंट है। लेकिन 40 की उम्र के बाद हर एक को नज़दीक का नंबर लगता है, पेपर पढ़ने के लिए, मोबाइल स्क्रीन देखने के लिए 40 इयर्स के बाद हर एक को नंबर लगता है, तो ये नंबर सभी को लगेगा लेसिक सर्जरी करने के बाद भी। मैडम जैसे बताया कि लेसिक सर्जरी का कोई एज फैक्टर रहता है, एज के अंदर करना चाहिए या एज के बाद कर सकते हैं? तो लेसिक सर्जरी पर्सनली मैं बिलीव करती हूँ, क्योंकि जैसे बॉडी की ग्रोथ चालू रहती है वैसे चश्मे का नंबर थोड़ा बहुत बदल सकता है, इसलिए एटलीस्ट मिनिमम 20 साल की उम्र तक रुकना चाहिए। 20 साल की उम्र के बाद आप लेसिक सर्जरी करेंगे तो नंबर वापस आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। उसके पहले अगर लेसिक सर्जरी करेंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत नंबर वापस आ सकता है। और रही बात कौन से एज तक कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा 40 इयर्स के बाद नज़दीक का नंबर तो हर एक को लगेगा ही, लेकिन फिर भी 40 की उम्र के बाद भी अगर आपको दूर का नंबर नहीं पहनना है तो वो लोग लेसिक कर सकते हैं सिर्फ दूर के नंबर के लिए। जैसे अभी लेसिक सर्जरी हो गई है और कितने दिन के बाद अपन वर्किंग में कर सकते हैं ये बताया आपने, काफ़ी लोगों में गैर समझ ये कि कौन कौन से पेशेंट को किया जाता है, मतलब लेसिक सर्जरी किसके लिए, जैसा भी कैटरेक्ट होता है तो ऐसे कौन से पेशेंट में किया जाता है? तो लेसिक सर्जरी एक्चुअली कोई भी कर सकता है, फीमेल्स हो मेल्स हो। एज आई सेड द ओनली क्राइटेरिया इज़ कि उम्र कम से कम 20 साल की होनी चाहिए, उसके बाद ही किया जाना चाहिए। ये छोड़ के लेसिक सर्जरी करने के पहले कुछ टेस्ट्स करने पड़ते हैं ये देखने के लिए कि पेशेंट सूटेबल है कि नहीं लेसिक के लिए। ऐसे नहीं है कि कोई भी पेशेंट आए उनमें लेसिक कर सकते हैं, कुछ टेस्ट्स नेसेसरी रहते हैं, लाइक कांच या कॉर्निया का कर्वेचर कैसा है, उसका थिकनेस कितना है, और ये छोड़ के आँख के अंदर का जो पर्दा रहता है जिसे रेटिना बोलते हैं वो भी अच्छा होना चाहिए। अगर ये सब नॉर्मल रहेगा तो ही वही पेशेंट्स लेसिक सर्जरी के लिए जा सकते हैं। और लेसिक सर्जरी एक्चुअली वैसे देखा जाए तो एक कॉस्मेटिक सर्जरी है कि पेशेंट को चश्मा पहनना नहीं है इसलिए वो, और कॉन्टैक्ट लेंस भी नहीं पहनना है, तो और चश्मा और कॉन्टैक्ट लेंस अगर नहीं पहनना है तो दूसरा ऑप्शन सिर्फ लेसिक सर्जरी है। तो लेसिक सर्जरी दो कॉस्मेटिक बोलते हैं, फिर भी स्पेशली अब हमारे भारत में अभी भी गाँवों में जो लड़कियाँ हैं वो चश्मा अच्छा नहीं दिखता है इसलिए वो चश्मा नहीं पहनते हैं, और चश्मा नहीं पहनने की वजह से उनकी नज़र परमानेंटली कम हो जाती है। वो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि चश्मा न पहनने से भी अंधे हो जाते हैं, जो एक्चुअली प्रिवेंटेबल है। तो चश्मा एक्चुअली बहुत ज़रूरी होता है अगर आपकी दूर की नज़र कम रही तो। तो ये जो लड़कियां हैं जो शर्म की वजह से चश्मा नहीं पहनना चाहते, इनमें लेसिक करना वुड बी अ राइट चॉइस। हमारे यहाँ पे बहुत सारे लड़कियों की शादी नहीं होती है क्योंकि उनको चश्मा रहता है, तो ज़्यादातर के लड़कियाँ शादी के पहले फिर ये सर्जरी कर ले सकते हैं। द ओनली कंडीशन इज़ कि 20 साल की उम्र होनी चाहिए। मैम जैसे आँखों की जो बीमारियाँ बढ़ रही है, जैसा कैटरेक्ट हो गया, जो भी है जो प्रॉब्लम्स आते हैं, ये कोई अनुवंशिक प्रकार होता है या कुछ परसेंट अनुवंशिक रहता है? तो कुछ परसेंट डेफिनेटली अनुवंशिक रहते हैं, लाइक जो पैदाइशी बच्चों में आ जाते हैं बिकॉज उनके फैमिली में वो डिजीज़ है, लाइक रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा है। एक्चुअली चश्मे का नंबर भी थोड़ा बहुत हेरिडिटरी होता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे सिर्फ खाने में विटामिन ए की डिफिशेंसी रहेगी तो इसकी वजह से, एक्चुअली अपने कंट्री में भारत में विटामिन ए डिफिशेंसी के वजह से बहुत सारे बच्चे अंधे हो जाते हैं। तो खाने में अगर ग्रीन वेजिटेबल्स, पालक, मेथी, गाजर, ये चीज़ें अगर बच्चों के खाने में रहेंगे तो ये विटामिन ए डिफिशेंसी नहीं होगी जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस कम हो जाएगा। और कुछ ट्यूमर्स रहते हैं आँख के जो हेरिडिटरी हो सकते हैं। मैडम हमारे दर्शकों को काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन दिया है आपने, एज अ ऑप्थेलमोलॉजिस्ट हमारे दर्शकों को एक कुछ संदेश दे दीजिएगा कि आँखों की
देखरेख कैसा करना है, देखभाल कैसा करना चाहिए। थोड़ी भी तकलीफ होती है तो लोग उसको डिले करते हैं, आगे आगे करते हैं। जैसा बताया कि नंबर थोड़ा नंबर है तो बताते नहीं हैं, ऐसे इसमें इनको कौन सी ज़्यादा बड़ी बीमारी को सामना करना पड़ता है ये हमारे दर्शकों को बताए। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो अगर आपको दूर की नज़र कम है, चश्मे की ज़रूरत है, तो चश्मा डेफिनेटली पहनना है, क्योंकि चश्मा नहीं पहनने से आँख की नज़र परमानेंटली कम हो जाती है, ब्लाइंडनेस आ जाता है। ये छोड़ के काँच बिंदु एक बीमारी है जिसमें से परमानेंट ब्लाइंडनेस होता है या अंधत्व आता है। इसमें आँख का प्रेशर बढ़ जाने की वजह से नज़र चली जाती है। तो काँच बिंदु अगर आपको आँखों के डॉक्टर ने बताया है आपको काँच बिंदु की शंका है, तो इसका ट्रीटमेंट टाइम पे करना बहुत ज़रूरी है। चश्मे का नंबर स्पेशली अगर बच्चों में है तो उन्होंने हमेशा चश्मा पहनना चाहिए। आजकल के बच्चे स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है उनको बिकॉज ऑफ ऑनलाइन स्कूल एंड फोन्स, तो इसकी वजह से भी चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो जनरली एक पेरेंट्स ने रूल फॉलो करना चाहिए जिसे हम 20-20-20 का रूल बोलते हैं, कि हर 20 मिनट स्क्रीन के पास देखने के बाद एक 20 सेकेंड के लिए बच्चे ने कहीं दूर नज़र देखनी चाहिए। खिड़की के बाहर देखो, सिर्फ स्क्रीन से नज़र हटाओ, एक 20 सेकेंड के लिए 20 फीट की दूरी पर देखना है 20 मिनट स्क्रीन टाइम के बाद, तो इससे थोड़ा सा आँखों की हेल्थ बढ़ेगी। मैडम, हेल्दी टिप्स आँखों के लिए, हेल्दी रहना चाहिए उसके लिए क्या टिप्स देना चाहिए? हेल्दी जैसे मैंने एक बोला, स्क्रीन टाइम कंट्रोल में रखना है। ये छोड़ के ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना ज़रूरी है, और अगर आँखों में कुछ भी तकलीफ हो तो आँखों के डॉक्टर को इमीडिएटली आके दिखाना है, खुद से कोई दवाई नहीं लेनी है। मैम, MGM में एडवांस टेक्नोलॉजी जो आ चुकी है आँखों के लिए स्पेशलिटी, क्योंकि अभी तो हमने बाकी स्पेशलिटी के ऊपर बताया, लेकिन MGM में भी आँखों के लिए भी काफ़ी एडवांस मशीन आ चुकी है, ऐसे अपने पास कौन सी एडवांस मशीन है? तो MGM में हमारे पास ऑफ्थल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में सबसे बेस्ट मशीन्स जो एट द मोमेंट सबसे लेटेस्ट मशीन्स है, लाइक रेटिना के चेकअप के लिए OCT है, फंडस कैमरा है। हमारे पास दो टाइप के लेज़र्स है, जो एक तो रेटिना का लेज़र है, एक एंटीरियर सेगमेंट का लेज़र है। हमारे पास डिजिटल स्लिट लैम्प है, और सबसे रीसेंट हमारा जो अक्वायरमेंट है वो है एग्जाइमर लेज़र, जो लेसिक सर्जरी के लिए लगता है। और हमारा जो एग्जाइमर लेज़र है वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट जो अभी अवेलेबल है, मतलब जर्मन मेड लेज़र मशीन है, जो इट इज़ एट द सेम जो बाकी के लोगों के पास है वही हमारे पास है। ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा चैरिटेबल ट्रस्ट है, हम ऑब्वियसली चार्जेस कम रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो कुछ लो इसका है। द मशीन्स जो यूज़ करते हैं वो सेम मशीन्स हैं, एंड लेसिक सर्जरी कैसे है कि इट फॉर सेफ्टी, पेशेंट के प्रिकॉशंस के लिए, सेफ्टी के लिए सब कुछ डिस्पोजेबल यूज़ करना पड़ता है ताकि इन्फेक्शन ना हो। तो ये सारे प्रिकॉशंस लेके ही सर्जरी की जाती है ऑन द बेस्ट मशीन्स पॉसिबल। मैम, जैसा भी बातों में और एक क्वेश्चन याद आ चुका है हमें, आई डोनेशन जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जो लोगों को नहीं पता किस तरह आई डोनेट किया जाता है, कौन कर सकता है, तो इसके ऊपर हमारे लिए दर्शकों को कुछ आई डोनेट के बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन रहते हैं, गैर समझ रहता है, तो इनके लिए क्या संदेश? आई डोनेशन सबसे पुण्य का काम है। आई डोनेशन करने के लिए जेंडर एज इन मेल फीमेल कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहता है। आई डोनेशन कोई भी उम्र में कर सकता है। आई डोनेशन सिर्फ मरने के बाद ही रिलेटिव्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, उनका डिसीजन रहता है एंड में कि वो उनके नज़दीक के रिलेटिव्स के आईज डोनेट करना चाहते हैं या नहीं। आई डोनेशन अगर करना है तो डेथ के बाद विद इन 6 आवर्स, 6 घंटे के अंदर अंदर वो कॉर्नियाज रिट्राइव करने पड़ते हैं। तो इमीडिएटली हॉस्पिटल में फ़ोन करके इन्फॉर्म करना चाहिए।
जब इन्फॉर्म करते हैं तब आपके नज़दीक के रिलेटिव्स की डेथ कौन से कारण से हुई है वो बताना ज़रूरी रहता है, और अगर आप विलिंग हैं तो कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं ताकि जब तक टीम आए और आईज लेके जाए तब तक वो आंखें ठीक से रहे, इसलिए जो वो रूम के फ़ैन एसी बंद करना है, उनकी आंखें जो दातक है उनकी आंखें बंद करना है, कवर्ड रखना है, हो सके तो आंखों पे एक गीला कॉटन या कुछ रखना है, और 6 घंटे के अंदर टीम आके इमीडिएटली लेके जाते हैं। आरोग्य जागृति।